बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आप लोग आए और इस इवेंट के को कवरेज दी। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड उबैदुर रहमान, मैं सीनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी हूँ फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड में। फौजी सीमेंट कंपनी आपको पता ही है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लोकल एरिया की कम्युनिटी के लिए करती रहती है, उसमें हमारे पास एजुकेशन के सेक्टर में हम यहाँ पे स्कॉलरशिप्स देते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट में हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, हेल्थ के ऊपर हमारा है, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि यूथ में एजुकेशन एंड अच्छी एक्टिविटीज़ प्रमोट करने के लिए, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूथ की एक्टिविटी के लिए है वो ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट, हमारा एक हिस्टोरिक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट 2016 से इसका आगाज़ हुआ और यहाँ पे इस पूरे इलाके की टीमें बुलाई जाती हैं। फिर तकरीबन 2019 में कोविड की वजह से और उसके बाद हमारे पास चूँकि चाइनीज़ इंजीनियर्स आए थे और उसकी वजह से ये टूर्नामेंट हमारे पास रुक गया, और चार साल के ताखिर के बाद हमने अभी ज़रूरी समझा कि इसका आगाज़ किया जाए। और मैं बड़ा मशकूर हूँ अपनी मैनेजमेंट के लिए कि उसने हमें पूरा सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के साथ फिर हमने प्लान ये किया कि 12 मार्च को ये टूर्नामेंट 2019 में रुका था, और इस दफ़ा हमने कहा इंशाल्लाह 12 मार्च को इसका आगाज़ करेंगे और इसको एक नई शक्ल में जिद्दत इस तरह देंगे कि इसको नाइट करेंगे रमज़ान के अंदर, ताकि और उसमें रमज़ान में इस तरह के जी तरावी कंप्लीट होने के बाद मैचेस होंगे। और चूंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में ये नाइट क्रिकेट एनवायरनमेंट्स यूथ को विलेज लेवल के ऊपर मिलना, गांव लेवल के ऊपर मोहल्लों पे बहुत मुश्किल है, और ये तो इवन बड़े क्लब्स में भी, बड़े शहरों में भी मिलना मुश्किल होती है, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रोवाइड करता है। तो हमारी मैनेजमेंट स्पेशल अप्रूवल दी इसकी और हमने ये नाइट लिट टूर्नामेंट जो तकरीबन आप देख रहे हैं पूरा स्टेडियम लिट होता है, तो इसका इनेकाद किया। 40 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, पीरा गांव को हाट की बाउंड्री के ऊपर है, वहां से लेके खैराबाद तक 40 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। 12 मार्च को हमारा पहले रमज़ान में इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ नॉकआउट बेस के ऊपर, और मुख्तलिफ मरलों से गुजरते हुए आज 27 मार्च को इसका फाइनल हो रहा है, और फाइनल में अभी आपके साथ ही यहाँ के शगाई स्टार, बड़ी ब्राइट यंग टीम है यंगस्टर्स की, और फौजी टीम का आपस में मैच हो रहा है, और बेसिक एम यही था कि यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटी के तौर पे हम मौके फराहम करें, वो एनर्जी पॉजिटिव लगाएं। स्पोर्ट्स से इंसान बहुत सीखता है, बर्दाश्त, पेशेंस, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और हमारे माशरे में जो पेशेंस की कमी, सब्र बर्दाश्त की कमी होती जा रही है, उसका मेरे हिसाब से बहुत बेहतर हल है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फ़रोग दिया जाए, बच्चों को, यंगस्टर्स को उसमें लगाया जाए, वो खुद पेशेंस को और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने अंदर लेके आएंगे और माशरे का एक बेहतर फर्द होने का मुजाहरा करेंगे। कि आजकल के यूथ, उनके लिए मैसेज हमारा यही है कि अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव चीज़ों पे लगाएं, और सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि देखें हमारे इस मीडिया में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और बहुत इसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें भी आ गई। यूथ इस मोबाइल के अंदर घिर के रह गई है और फील्ड और वो कहते हैं ना स्पोर्ट्स ग्राउंड का रुख कम कर दिया। जब वो स्पोर्ट्स ग्राउंड का रुख करते हैं तो उसके अंदर इटसेल्फ इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आपका क्रिमिनल रेट, आपका ड्रग अब्यूज, आपकी नेगेटिव सोच बच्चों की, ये ख़त्म होती है। और सिर्फ यही नहीं, हम और भी मौके इस तरह के जारी रखते हैं जिसमें हम यूथ को कमिट रखें। जैसे मैंने बताया कि ये तो सिर्फ क्रिकेट स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स का एक मौका है, दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप अवार्ड में जितने हमारे यूनियन काउंसिल काऊ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसकी टॉप पोजीशंस को हम स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं, जो कि एक बहुत तकरीबन 25 से ज़्यादा स्कूल हैं और हैं तमाम गवर्नमेंट्स के, ताकि हम उन बच्चों को भी एक फैसिलिटेट करें और एजुकेशन को भी प्रमोट करें। तो उनका मैसेज मैं सिर्फ यही कहूंगा यूथ को कि आजकल इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको कमेंट करें और इंशाल्लाह इससे चीज़ माशरे में भी बेहतरी आएगी और उनकी अपनी सोच और बर्ताव में भी बेहतरी आएगी। रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि अपनी जवानी को, अपनी एनर्जीज को नशे जैसी लानत से अपने आप को बचाएँ। ना सिर्फ वो आपको अफेक्ट करती है, वो आपकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है।
ये नौजवान जो बेचारा इसमें घिर जाए या उसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो ना सिर्फ अपने लिए अपनी ज़िंदगी के लिए मसाइल पैदा करता है, वो अपनी फैमिली के लिए और इवन अपनी सोसाइटी जो इर्द गिर्द का पूरा माहौल है उस सब के लिए एक नेगेटिव रवैया पैदा करता है। उससे निकलने के लिए यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स की हैं, अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन की हैं, अपॉर्चुनिटीज कमिटमेंट्स की हैं, जो हम मुख्तलिफ जगहों पे कमिटमेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने महदूद मसाइल में रहते हुए यहाँ पे करते रहें तो उसमें इन्वॉल्व हूँ। और मैं कोशिश यही होगी और दुआ भी होगी और मैं इनफैक्ट यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कंटिन्यूस इन टच रहता हूँ कि हम इसके ऊपर जितना सदबाव कर सकते हैं नशे की लानत के ऊपर हम करें।